ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वाणी की डेट है 15 जनवरी 86। हेडिंग है सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी हैं, ये देख मुस्कुरा रहे। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते हैं। देना क्या और लेना क्या, अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। और कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा, इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो, तो सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत और ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करती हो तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं है। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है व अभी भी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया ना, बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है, दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में इन्हों के, बाबा ने कहा बाबा की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया है। परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, तो ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP भी हम हैं, इसलिए गायन है भोलों का भगवान। हैं चतुर सुजान, लेकिन पसंद भूले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति और अभी अभी ककपति हैं। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय भी खाते, भय में ही सोते हैं। बाबा बोले धन है तो भय में ही खाते हैं, भय में सोते हैं। और बाप आपको बेफिकर बादशाह बनाते हैं, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है, आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना, या कोई भय है। जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है, उसके सिवाय कोई भी। सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी वो भय पैदा करेगा। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी में भी सूक्ष्म रह तो नहीं गया।
सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो। चांदी व सोना रियल तभी बनता जब आग में गलाकर जो मिक्स होता उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली रियल गोल्डन जुबली है ना, यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हो, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले, तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हो। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं हो इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे, ना सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है तो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो बने हो नहीं, दाल बाटी खाने वाले बने हो ना। बाबा ने कहा अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो, दाल बाटी दाल रोटी खाने वाले बने हो। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार हो, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, कमाई करने वाले बनेंगे राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबरवार है। बाबा ने कहा साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो होता ही नहीं लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रालब्ध राज्य प्राप्त करती है। साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो होता ही नहीं लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रालब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं, राज्य तखत के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे, अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ, संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ लगानी है। बाबा ने कहा इन शक्तियों को कैसे और कहाँ यूज करना है इसका बजट बनाओ। ऐसा ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ में चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है व्यर्थ है तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, गवा दिया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्तियां बढ़ेंगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबर वार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते ना पाप कर्म में लगाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना गवाया ना
कमाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की और पढ़ाई भी की, किसको दुख तो नहीं दिया। कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं, मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया, तो हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया। खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाए। यह है जमा करना और बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, ये बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ, यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्वात्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएं। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगे, भिकारीपन से दुख अशांति से मुक्त करेंगे। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं हैं, लेकिन मांगते तो हैं। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाने वाले, वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। फिर बाबा कुमारों से आज मिले। बाबा ने कहा कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन है, नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते। तो बंधनों में खिंचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंधों से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र,
कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता, थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते तो नहीं हो? बिल्कुल ख्याल तो नहीं आता? कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी बंधन में फंसे हुए नहीं, कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर बाबा कुमारियों से बोले, कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है, यह लिफ्ट भी श्रेष्ठ गिफ्ट है, इस गिफ्ट को यूज करना आता है। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी, इसलिए शक्तिशाली बन, शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और आगे नंबर ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा, इसलिए जहां भी ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। फिर बाबा टीचर्स बहनों से मिले। बाबा बोले, सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त, निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम में बाप के कदम पर कदम रखकर चलना, इसको कहते फॉलो फादर करना। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी हो, सेवा में सफलता प्राप्त करना, यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो, जितना सेवा में स्वामें व्यर्थ समाप्त हो जाता उतना ही स्व और सेवा समर्थ बन जाती है। तो व्यर्थ को खत्म करना और सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले और औरों को भी उमंग उत्साह दिला सकते हैं, तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई दे। बोले ना बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी, ऐसे सेवाधारी होना। तो सेवा का गोल्डन चांस यह भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर वन है या नंबर टू है यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति है। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है?
बाबा ने पूछा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाप को है या आपको है? क्यों नहीं कहते मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। द्वापर से भक्ति में जिस भगवान को पुकारा उसे प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते तो सारी विश्व खुश हो जाती है, ऐसी खुशी मिल जाती है। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं, तो सदा खुशी में नाचते रहो। बाबा ने कहा, सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा में आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, उनों में उमंग उत्साह लाते रहो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी हैं और स्वराज अधिकारी भी हैं, इसी स्मृति में सदा रहो। अच्छा, आज मुरली में प्रश्न भी है। प्रश्न है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर है, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन सोस फादर। स्नेह के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुख उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, आज वरदान दिया बाबा ने। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। तो महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति और ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। बाबा ने कहा, जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन है, सभी अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। तो प्यारे बाबा के हम सब ने ये मधुर महावाक्य सुने। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। ओम शांति।